नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूँ रविंदर सिंह, आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा लें, जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाए सबसे पहले। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि चूज़ों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खुराक कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में और कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा, हम चूज़ों के लिए अपने चूज़ों के लिए खुराक बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ ऐसी है, इसमें कोई आपका एक रुपए का भी खर्चा नहीं लगेगा, जिसमें आप कीड़े बनाकर अपने चूज़ों को आसानी से खिला सकते हैं। और कुछ वीडियो ऐसे भी है जिसमें हम खर्चा करके हम कीड़े बना के चूज़ों को खिलाते हैं, जैसे वो खल में हम कीड़े बनाकर खिला सकते हैं, ख़राब हुए फ्रूट का जो मिक्सर बनाकर उसमें कीड़े बना के खिला सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम फ्री में कीड़े बनाएंगे, जिसका कोई भी खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ लगने वाली है, किस तरीके से बनाना है और कितने दिन में बन जाएंगे, ये आज सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम जो कुछ वीडियो बनाए हुए थे जिसमें हम खल में कीड़े बनाते थे, और वो खल लगभग 3 से 4 दिन उसको भिगोकर रखना पड़ता था, फिर उसमें कीड़े बनते थे और उसमें कुछ खर्चा भी लगता था। अगर हम खल मार्केट से खरीद के लाए तो वो लगभग 30 से 35 रुपए किलो आपको बाज़ार में मिलेगी, और उसका कुछ लाने का खर्चा हो जाता है, तो ऐसे मिला के कुछ उसमें खर्चा होता है। लेकिन हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको बिल्कुल भी कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपके घर में गाय या भैंस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में आप आसानी से कीड़े बना पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो दिखाते हैं आपको। जी दोस्तों, आपको सबसे पहले कीड़े बनाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको इसके लिए आप गाय या भैंस का गोबर ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें गाय का गोबर लिया, इसमें मैंने कीड़े बना लिए थे, लेकिन मैं इसमें पहले शूट नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो आपको अभी बने हुए कीड़े दिखा रहा हूँ। तो इसको मैं आपको ये जो मैंने प्रक्रिया इसमें की है वो बता दूंगा, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का वीडियो बना के दिखाऊंगा कि गोबर में कीड़े कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और इसमें आपको सारी बातें बता दूंगा कैसे कीड़े बनाने। अगर चाहिए तो आपको मैं पूरा वीडियो भी डाल दूंगा, जैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले एक गाय का गोबर लिया था, तो लगभग 5-6 किलो गोबर तक आएगा, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कितना भी। तो मैं ये आपके वीडियो के लिए बनाया था, लेकिन मैं स्टार्टिंग में वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे खासे कीड़े बन चुके हैं। मैंने सबसे पहले एक गाय का गोबर लिया था, 6-7 घंटे पुराना, 5-6 किलो गोबर है, और उसमें मैंने 1 कटोरी गेहूँ का आटा मिक्स किया था। आप बाजरा का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर उसमें पानी का हल्का हल्का छिड़काव करके आप उसको रख सकते हैं, और छांव में रखना है, और जहां रखना है कि उसमें मक्खी मच्छर आना जाना रहे उनका। और आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कीड़े बना सकते हैं, उसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। अगर आप खल में कीड़े बनाना चाहते हो तो उसमें आपका कुछ खर्चा लगेगा, 30-35 रुपये किलो वो खल आती है, उतना आपको खर्चा लगेगा। अगर आप इस गोबर में बनाओगे तो आपका कोई भी बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चूज़ों के लिए कीड़े बना सकते हैं। लेकिन आप जितने खल में कीड़े बनाते हो उतना कीड़े इस गोबर में नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ बन जाएंगे, लेकिन आपका काम चल जाएगा, इतना कीड़े बन सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसी तरह गोबर में ज़्यादा कीड़ा बनाने चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अगला वीडियो हमारा इसी तरीके से आएगा, जिससे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट गोबर में अच्छे खासे कीड़े बना पाओगे। और हाँ, अगर दोस्तों आप में से किसी ने ऐसे कीड़े बनाए हैं गोबर में या खल में, हाँ बनाए, तो आपका रिजल्ट कैसा रहा यह कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा लें, जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाए सबसे पहले, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय जवान जय किसान।